हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा, जनहित की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का समयबद्ध के साथ सम्मानजनक तरीके से लाभ पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सेवा का अधिकार आयोग बनाया है, जिसमें 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। टीसी गुप्ता ने ये जानकारी राइट टू सर्विस एक्ट के संबंध में समीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सरस्वती महिला महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने अधिसूचित सरकारी सेवाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि सभी विभागों को इन सेवाओं का लाभ समयबद्ध देना होगा। जो चाहते हैं वो लीकेज कहाँ रह जाते हैं जो लोगों को सेवाएं नहीं मिलती? तो यही है कि अधिकारियों की कुछ कोताही होती है, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बगैर बात चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, लटका के रखते हैं, कुछ जिम्मेदारी का अभाव था। और इस जो सिस्टम जो किया है, ऑनलाइन सिस्टम है, और आयोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि नीचे स्तर तक जो कर रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे, लोगों के काम ना कर रहे हैं, उसके प्रति जिम्मेदारी फिक्स की जाए, उनके खिलाफ एक्शन। सर, जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, ऐसा ना करने पर आज पोर्टल पर संबंधित शिकायत ऑटो मोड में अपील में चली जाएगी और इसके बाद विभाग में उच्च अधिकारियों को एक के बाद दूसरे को दो बार अपील जाने के बाद ये शिकायत और समस्या आयोग के पास खुद पहुंचेगी, जिसमें आयोग द्वारा 30 दिन के अंदर ये शिकायत निपटाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी ने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, वो बिजली का कनेक्शन उसके अंदर 15 दिन मान लो लिखा हुआ है, 15 दिन के बाद के अंदर 16वें दिन अपने आप जो अगला अधिकारी है उसके पास चला जाएगा और मैसेज भी तीनों को आ जाएगा, जिस आदमी का काम नहीं हुआ, जिसने काम नहीं किया और जिसके पास अपील चली कि ये अपील फाइल कर देगी। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 4 घंटे बिजली चली जाए, किसी को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 30 दिन के अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिले, तो ये अपने आप में बड़ा प्रभावकारी एक सॉफ्टवेयर होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि थोड़े समय के अंदर एक क्रांति ही कहूँगा इस चीज़ को, कि जो अपील पहले फाइल नहीं होती। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि कमीशन के पास पिछले 7 साल के अंदर केवल 7 अपील है, जो थर्ड अपील अब जो है इसके माध्यम से कोई भी काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिक चलते हुए कमीशन के पास आ जाएगी। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसकी मॉनिटरिंग होगी तो लोग स्वतः ही अपने आप काम समय पर करना शुरू। तो सर, इसमें कुछ दंड लगता है कि कुछ अगर अधिकारी जो नकारा साबित होंगे, जो काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी आपकी तरफ से? एडवाइजरी भी जारी की गई है, प्रसन्नता भी जारी की जाएगी, साथ में सरकार को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की रिकमेंडेशन भी हम कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि कहा, हर जगह पर हम पेनल्टी लगा सकते हैं अप टू 20,000। एक केस में मैंने 10,000 रुपये लगाई भी है, और क्योंकि एक बार पेनल्टी लग गई तो वो आदमी वैसे ही चौकन्ना हो जाता है। और मैंने कहा है कि जिस अधिकारी को, जिस कर्मचारी को 3 बार पेनल्टी लगा दी तो उसको हम डिसमिसल की रिकमेंडेशन, उसको नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश सरकार को कर दें। जब से ये अधिकारियों ने सुना है, कर्मचारियों ने सुना है, तब से पहले जिस दिन CM साहब ने ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था 1 सितंबर को, 1,41,000 केस RTS समय सीमा से बाहर कर लिए, जो आज घट के लगभग 40,000 के करीब आ गए। 1,00,000 केस नए भी आए होंगे, परंतु वो उसका भी निपटारा किया और पुराने 1,00,000 केसेस का और निपटारा किया, और आज केवल 20 सितंबर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समय के ऊपर काम होगा और सम्मानजनक काम होगा, और इसमें संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को 20,000 रुपये पेनाल्टी करने का अधिकार आयोग के पास होगा। इसलिए सभी विभाग को ये आह्वान किया गया है कि अपनी पेंडिंग शिकायतों का समाधान तुरंत करें और हर हालत में अपना स्कोर 1 जनवरी 2022 तक 9.9 से ऊपर ले जाए। पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।